भी नहीं लिया यहाँ पे। ताल बल ताल में गया तो बोले पाप आएगा तब कब ले लिखूंगा। मेरा 5,000 रुपया मेरा मोबाइल लेके गए तब मेरा चाहिए। कंप्लेन थाना थाना में गया लिखाने, नहीं लिखा था। बोले कि साहब आएगा तब लिखूंगा। थाना किस लिए खोल के बैठे हो तुम? कंप्लेन नहीं लिख सकते क्यों बैठे हो जब? थाना की आम जनता के लिए होते ना, कंप्लेन लिखोगे ना भाई? बोलते हो साहब आएगा तब लिखेगा, ये कौन सी बात होती है? तो तू बैठे क्यों हो? साहब बैठता है ना वहाँ पे। अखा च हंजू ते मन च गुस्सा। दस दी के प्रवासी मजदूर जो के अपनी दरखास्त लेके पुलिस थाने गया सी, पर पुलिस दी कार्रवाई तो ना खुश नजर आया ते फुट फुट के रोन लगा। दस दी के इसका मोबाइल अते 5,000 रुपया चोरी हो गया सी, जिसनु लेके पुलिस थाने पहुंचा सी। ता इस संबंधी इसने दसिया के थाने च मौजूद मुलाजम इसनु कहन लगे के साहब दे आउण तो बाद ही शिकायत दर्ज होवेगी, जिस तो बाद SSP दफ्तर पहुंच गया ते कहा कि उत्थे भी मेरी कोई भी फरियाद नहीं सुनी गई। जिस तो बाद रोंदे रोंदे कहन लगा कि थाने च जे शिकायत ही नहीं लिखनी तो इसनू खोले दा की फायदा। दस दे कि वीडियो बठिंडा तो सामने आई है, जिथे प्रवासी मजदूर दा मोबाइल अते 5,000 रुपया चोरी हो गया सी, जिसनू लैके यह पुलिस थाने पहुंचा सी। तो इस संबंधी इसने दस्या सी कि उत्थे जाके जब इसने शिकायत दर्ज करवाउण दी कोशिश कीती तां उत्थे मौजूद मुलाजमा ने कहा कि साहब दे आउण तो बाद ही इसकी रिपोर्ट दर्ज कीती जाएगी। तकरीब 1.5 घंटे तक ये उत्थे बैठा रहा, फिर भी इसकी शिकायत नहीं लिखी गई, जिस तो बाद थक हार के यह SSP दफ्तर पहुंचता है, पर उत्थे भी इसकी कोई भी सुनवाई नहीं होंगी, जिस कारण SSP दफ्तर के बाहर फुट फुट के रोन लग जाता है ते अपना गुस्सा कढ़ता है। रोऊंगा जी दुख जब कंप्लेन नहीं दे, मैं परदेश में हूँ जी, मेरे को दिक्कत होगा कंप्लेन का, जब कोई सुना तो दुख ही लगता है ना जी। क्या हुआ क्या? मेरा 5,000 रुपये मेरा मोबाइल गायब हुआ है, ठीक है जी, मेरे को चाहिए। क्या कहते हैं आप SSP ऑफिस? यहाँ पे लिए नहीं रिपोर्ट, देखो सामने नहीं लिए रिपोर्ट। पुलिस थाने गए हो? हाँ जी, थर्मल थाने में गया, वो बोला कि साहब आएंगे तब लिखे, 1.5 घंटा बैठ के वहाँ पे आया। थर्मल थाने से ऑटो बुक कर 150 रुपया लिया, यहाँ पर मैं पहुँचा बस स्टैंड से, मैं पैदल आया पूछते पूछते, लेकिन आप लोग नहीं करोगे फिर आगे मैं देख लूंगा, लेकिन मेरे को इंसाफ चाहिए। परेशानी कितनी बढ़ गई तुम्हारी? परेशानी जी सबसे बड़ी यही है कि ये कानून किस लिए बना है? जैसे थाना हो गया आम जनता के लिए होता ना, आम जनता के लिए थाना होता ना, तो रिपोर्ट कैसे नहीं लिखा? कौन सा साहब है? कोई नहीं लिखा यहाँ पे। थाल बल थाल में गया तो बोले साहब आएगा तब कब ले लिखूंगा। मेरा 5,000 रुपया मेरा मोबाइल लेके गए तब मेरा चाहिए। कंप्लेन थाल बल थाना में गया लिखाने, नहीं लिखा था। बोले कि साहब आएगा तब लिखूंगा। थाना किस लिए खोल के बैठे हो तुम? कंप्लेन नहीं लिख सकते क्यों बैठे हो जब? थाना की आम जनता के लिए होते ना, कंप्लेन लिखोगे ना भाई? बोलते हो साहब आएगा तब लिखेगा, ये कौन सी बात होती है? तो तू बैठे क्यों हो? साहब बैठता है ना वहाँ पे। अखा च हंजू ते मन च गुस्सा। दस दी के प्रवासी मजदूर जो के अपनी दरखास्त लेके पुलिस थाने गया सी, पर पुलिस दी कार्रवाई तो ना खुश नजर आया ते फुट फुट के रोन लगा। दस दी के इसका मोबाइल अते 5,000 रुपया चोरी हो गया सी, जिसनु लेके पुलिस थाने पहुंचा सी। ता इस संबंधी इसने दसिया के थाने च मौजूद मुलाजम इसनु कहन लगे के साहब दे आउण तो बाद ही शिकायत दर्ज होवेगी, जिस तो बाद SSP दफ्तर पहुंच गया ते कहा कि उत्थे भी मेरी कोई भी फरियाद नहीं सुनी गई। जिस तो बाद रोंदे रोंदे कहन लगा कि थाने च जे शिकायत ही नहीं लिखनी तो इसनू खोले दा की फायदा। दस दे कि वीडियो बठिंडा तो सामने आई है, जिथे प्रवासी मजदूर दा मोबाइल अते 5,000 रुपया चोरी हो गया सी, जिसनू लेके यह पुलिस थाने पहुंचा सी। तो इस संबंधी इसने दसिया सी कि उत्थे जाके जब इसने शिकायत दर्ज करवाउण दी कोशिश कीती तां उत्थे मौजूद मुलाजमा ने कहा कि साहब दे आउण तो बाद ही इसकी रिपोर्ट दर्ज कीती जाएगी। तकरीब 1.5 घंटे तक ये उत्थे बैठा रहा, फिर भी इसकी शिकायत नहीं लिखी गई, जिस तो बाद थक हार के यह SSP दफ्तर पहुंचता है, पर उत्थे भी इसकी कोई भी सुनवाई नहीं होंगी, जिस कारण SSP दफ्तर के बाहर फुट फुट के रोन लग जाता है ते अपना गुस्सा कढ़ता है। रोऊंगा जी दुख जब कंप्लेन नहीं दे, मैं परदेश में हूँ जी, मेरे को दिक्कत होगा कंप्लेन का, जब कोई सुना तो दुख ही लगता है ना जी। क्या हुआ क्या? मेरा 5,000 रुपये मेरा मोबाइल गायब हुआ है, ठीक है जी, मेरे को चाहिए।
क्या कहते हैं आप एसएसपी ऑफिस? यहाँ पे लिए नहीं रिपोर्ट, देखो सामने नहीं लिए रिपोर्ट। पुलिस थाने गए हो? हाँ जी। थर्मल थाने में गया, वो बोला कि साहब आएंगे तब लिखे, डेढ़ घंटा बैठ के वहाँ से आया। थर्मल थाने से ऑटो बुक कर 150 रुपया लिया, यहाँ पर मैं पहुँचा। बस स्टैंड से मैं पैदल आया पूछते, लेकिन आप लोग नहीं करोगे फिर आगे मैं देख लूंगा, लेकिन मेरे को इंसाफ चाहिए। परेशानी कितनी बढ़ गई तुम्हारी? परेशानी जी सबसे बड़ी यही है कि ये कानून किस लिए बना है? जैसे थाना हो गया, आम जनता के लिए होता ना? आम जनता के लिए थाना होता ना तो रिपोर्ट कैसे नहीं लिखा? कौन सा साहब है?